बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा टॉपिक है गैमा कैमरा, जो कि न्यूक्लियर मेडिसिन या मॉलिकुलर इमेजिंग में इस्तेमाल होता है। गैमा कैमरा इज़ द इक्विपमेंट यूज टू डिटेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेडियो फार्मास्यूटिकल विद इन द पेशेंट। पेशेंट के अंदर जो रेडियो फार्मास्यूटिकल हैं, वहाँ से अल्फा, बीटा, गैमा तीनों तरह की रेज निकलती हैं, तो गैमा रेज को डिटेक्ट करने के लिए गैमा कैमरा इस्तेमाल होता है। ये रेडियो फार्मास्यूटिकल कहाँ से आते हैं? हम पेशेंट में इंजेक्ट करते हैं, कभी कभी इनहेल भी कराते हैं, कभी कभी माउथ के थ्रू भी देते हैं, मुंह के जरिए। तो इसके दो कंपोनेंट्स हैं, कोलिमेटर और डिटेक्टर। डिटेक्टर के मजीद चार पार्ट्स हैं, सिंटिलेशन क्रिस्टल, लाइट पाइप, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब, पीएमडी या और फिर प्री एम्पलीफायर। अब हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। ये वैसे इसकी शेप इस तरह की होती है जिस तरह सी टी गैंट्री होती है, लेकिन पीछे गैंट्री नहीं है, ये गैमा कैमरा है। कोलिमेटर ए डिवाइस यूज टू रेस्ट्रिक्ट द बीम। अब बीम वो एक्सरे बीम भी हो सकती है, गैमा रे भी हो सकते हैं, लाइट फोटोन भी हो सकते हैं। ये एक जनरल कोलिमेटर की डेफिनेशन है। यहाँ पे हम सिर्फ गैमा कैमरा की बात करेंगे, गैमा रेज की। टू एरिया ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग लेड शटर्स और सेप्टर्स। लेड सेप्टर्स को इस्तेमाल करते हुए जो हमारे पास बीम है, यूजफुल बीम है, इमेज प्रोड्यूसिंग बीम है, उसको एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे ही फोकस करना। एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है? डिटेक्टर्स हैं हमारे, यहाँ पे डिटेक्टर सिंटिलेशन है। एक्सरे में डिटेक्टर एक्सरे कैसेट फिल्म होती है। व्हेन रेडिएशन इज रिलीज्ड फ्रॉम द पेशेंट इट कैन एग्जिट एट एनी एंगल, किसी भी एंगल में जा सकती है। जब पेशेंट में से निकलती है एंड हिट द डिटेक्टर इन अ लोकेशन दैट डज नॉट कोरिलेट विद द लोकेशन ऑफ इट्स ओरिजिन। जहाँ से निकलती है लाजमी नहीं है कि उसके पैरेलल या उसके परपेंडिकुलर ही जाए, ये किसी भी एंगल में जा सकती है। टू और कम दिस ए कोलीमीटर इज यूज्ड इन विच ओनली गैमा फोटॉन्स दैट ट्रेवल पैरेलल टू कोलीमीटर विल बी एक्सेप्टेड। जो कोलीमीटर के सेप्टाज हैं, लेड सेप्टा हैं, उनके जो पैरेलल आ रही होंगी सिर्फ वो ही डिटेक्ट होंगी, बाकी सारी लेड के सेप्टा के अंदर जो कोलीमीटर के सेप्टास बने हुए हैं, लेड स्लैब्स हैं, लेड की शीट्स हैं, उनमें अब्जॉर्ब हो जाएंगी। दोज ट्रेवलिंग एट एन एंगल विल हिट द सेप्टम, यूजुअली लेड का बना होता है, बी अब्जॉर्ब एंड देयरफॉर नॉट कंट्रीब्यूट टू इमेज। उनका इमेज नहीं बनता, जो पैरेलल जाती हैं सिर्फ उनका ही इमेज बनता है और वो सेंटिलेशन तक सिर्फ वही पहुँचती हैं। इस तरह अक्सर ज़्यादातर अब्जॉर्ब हो जाती हैं, बहुत कम मकदार में सिंटिलेशन कैमरा तक पहुंचती है। सेम इस तरह एक्सरे भी हैं, एक्सरे भी बहुत कम मकदार में पेशेंट तक कैसेट तक फिल्म तक पहुंचती है। ये इस तरह की शेप होती है। ये जो लोहा वाला ये जो बना हुआ है, ये जो होल है, बाकी होल के अलावा बाकी जो भी एरिया वो सेप्टा है, लेड का बना हुआ है। टाइप्स ऑफ कोलिमीटर चार तरह की टाइप है। पैरेलल होल, जिसमें सारे के सारे होल पैरेलल हैं। मैं पूरी बताऊँ, ये पैरेलल होल है, देखिए बिल्कुल सीधे सीधे है, सीधी लाइन में है। डाइवर्जिंग होल फॉर ए मिनीफाइड इमेज, इमेज को छोटा करने के लिए, छोटा करेंगे तो स्पेशल रेजोल्यूशन बेटर होगी। द एंगल बिटवीन सेप्टा लेस देन 90। ये कन्वर्जिंग होल फॉर मैग्नीफाइंग द इमेज, इमेज को बड़ा करके दिखाने के लिए, द एंगल बिटवीन सेप्टा मोर देन 90, सेप्टा के दरमियान एंगल 90 से ज्यादा होगा। पिन होल सिंगल होल कोलीमीटर फॉर मैग्नीफाइंग इमेज ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट लाइक थायरॉयड का करेंगे तो छोटा सा, जिस तरह फोकल स्पॉट होता है एक्सरे में, तो इसमें छोटा सा होल ही यूज होगा। सेप्टा आर मेड ऑफ लेड, पहले बता चुका हूँ, द हायर द एनर्जी ऑफ द एमिटेड गैमा फोटोन द थिकर द सेप्टा नीड टू बी इंश्योर मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन ऑफ फोटोन, कि जितनी ज़्यादा मकदार में गैमा की एनर्जी होगी उतनी ही ज़्यादा थिक हमें सेप्टा बनाने पड़ेंगे। That hit them at an angle, जो उनको टकराते हैं एंगल किसी भी एंगल पे, therefore better rejection of non perpendicular photon, सिर्फ perpendicular photon को अंदर जाने की परमिशन है, बाकी सारे absorb हो जाएंगे। अगर एनर्जी कम होगी गैमा की तो septa की थिकनेस कम होगी, और एनर्जी ज़्यादा होगी तो हमें septa मोटे मोटे बनाने पड़ेंगे, थिकर बनाने पड़ेंगे। ये parallel hole, diverging hole, minified image के लिए, small parts के लिए, ये magnified image के लिए, ये नॉर्मल केस में। डिटेक्टर इसके चार पार्ट्स हैं, सिंटिलेशन क्रिस्टल जो कि सोडियम आयोडाइड थैलियम का बना होता है, लाइट पाइप, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब, प्री एम्पलीफायर। सिंटिलेशन क्रिस्टल ये इसका हार्ट समझ लें गैमा कैमरा का। द क्रिस्टल इज फ्लोरिसेंट आई व्हेन अ गैमा फोटोन इंटरेक्ट इट रिलीज लाइट फोटॉन्स, जैसा कि सिंटिलेशन जैसा कि इंटेंसिफाइंग स्क्रीन एक्सरे की सूरत में करती थी। तो ये लाइट फोटोन एमिट करता है, यूवी लाइट होती है और विजिबल स्पेक्ट्रम में होता है। सिंगल जब इस पर गैमा रेज टकराती हैं, सिंगल क्रिस्टल ऑफ सोडियम आयोडाइड विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ थैलियम,
थैलियम उसके अंदर थोड़ा मिनिमम माइट में था। द थैलियम इम्प्रूव द लाइट आउटपुट, लाइट की आउटपुट को बेहतर बनाता है। इट इज 6 to 13 mm थिक थिकनेस है। हर्मेटिकली सील्ड इन एल्यूमिनियम केन, एल्यूमिनियम के केन मतलब हर्मेटिकली का मतलब एयर टाइट, पक्का बंद होता है इस तरह। या एक को गैमा फोटॉन से टकराता है तो इसमें से काफ़ी ज़्यादा लाइट फोटॉन और यूवी लाइट एमिट होती है। ये इसकी जनरल यहाँ पे पेशेंट होता है, ये कोलीमीटर है, इसमें से गुजरेगी, ये स्लैब है लाइट, आगे डिस्कस करेंगे। ये सिंटिलेशन कैमरा है, फिर इधर से निकलेंगी, फिर पीएम ट्यूब है आगे, फिर सिग्नल प्रोसेस करके मॉनिटर पे हमें दिखाएगा। लाइट पैड मेड अप ऑफ सिलिकॉन बिटवीन सिंटिलेशन क्रिस्टल एंड पीएमटी, सिंटिलेशन क्रिस्टल और फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब के दरमियान में होता है। मेड ऑफ गुड, मेड फॉर गुड कंटेक्ट बिटवीन पीएमटी एंड सिंटिलेशन क्रिस्टल। ये समझ लें कि गूंद है, एक किस्म की गम है जो उसको आपस में जोड़े रखती है पीएमटी को और सिंटिलेशन क्रिस्टल को। पीएमटी फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब क्या है, 30 से 100 पीएमटी सिट बिहाइंड द सिंटिलेशन क्रिस्टल जिसको इसने जोड़ा होता है, किसने, लाइट पाइप ने, या सुपरप्लेक्स स्लैब भी कहते हैं उसको। ये उसके पीछे होती है सिंटिलेशन की। द पर्पज ऑफ दीज इज टू मल्टीप्लाई द स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइट डिटेक्टर फ्रॉम द सिंटिलेशन क्रिस्टल टू अ लार्ज सिग्नल। जैसा कि मैंने पहले बताया कि बहुत कम मिकदार में ही जो गैमा है वहाँ तक पहुँचती हैं सिंटिलेशन तक, तो उनको मिकदार में बढ़ाना होता है ताकि इमेज बनाया जा सके। तो फिर पीएमटी उस इमेज को मल्टीप्लाई कर देती हैं, इलेक्ट्रॉन्स की तादाद को एक इलेक्ट्रॉन के बदले हज़ारों इलेक्ट्रॉन बना देती हैं इस तरह। यहाँ से फोटो कैथोड है, ये एक इलेक्ट्रॉन आता है फोटो कैथोड, ये फिर डाइवर्ज होके ये पीएमटी है, फिर ऐसे डाइवर्ज करते 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 एक इलेक्ट्रॉन एक बीम से कितनी ज़्यादा बीम बन जाती है। आखिर में एनोड लगा होता है, इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है ताकि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच सके, अट्रैक्ट कर सके। इसका प्रिंसिपल है द लाइट फोटोन हिट फोटो कैथोड एट द एंट्रेंस ऑफ पीएमटी। यहाँ से द फोटो कैथोड रिलीज इलेक्ट्रॉन इन प्रोपोर्शन टू द अमाउंट ऑफ लाइट हिट दैट हिट्स इट। लाइट जो निकलेगी सिंटिलेशन कैमरा से, लाइट किस के नतीजे में निकली, गैमा रेज से। जितनी गैमा रेज आएंगी उतनी ज़्यादा लाइट निकलेगी, जितनी ज़्यादा लाइट निकलेगी उतने ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फोटो कैथोड से निकलेंगे, फिर वो आगे डायनोड से होते जाएंगे। इलेक्ट्रोड को डायनोड भी कहते हैं। द इलेक्ट्रॉन आर अट्रैक्टेड टू द इलेक्ट्रोड्स या डायनोड्स विच हैव एन इंक्रीजिंगली पॉजिटिव चार्ज। इन पर पॉजिटिव चार्ज होता है ताकि वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकें, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है। अलॉन्ग द पीएमटी दिस एक्सेलरेट द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ा देते हैं। एज द एक्सेलरेट द गेन किनेटिक एनर्जी रिजल्टिंग इन मल्टीपल इलेक्ट्रॉन बीइंग रिलीज्ड। तो फिर वहाँ से काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलते हैं क्योंकि इन्हें किनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट बढ़ेगी, मूवमेंट बढ़ेगी तो उनमें एनर्जी ज़्यादा आएगी, एनर्जी ज़्यादा आएगी तो वो हिट ज़्यादा जोर से करेंगे, तो आयनाइजेशन एनर्जी पे काबू पा लेंगे, फिर वहाँ से मजीद इलेक्ट्रॉन रिलीज करवा लेंगे, फिर वो आखिर में एनोड की तरफ जाएंगे क्योंकि एनोड पे भी पॉजिटिव चार्ज होता है। दिस सर्व्स टू मल्टीप्लाई द ओरिजिनल सिग्नल, ओरिजिनल सिग्नल एक इलेक्ट्रॉन से हज़ारों के दौरान में इलेक्ट्रॉन बना के फिर आखिर में मॉनिटर को देते हैं। द टोटल इलेक्ट्रॉन हिट द फाइनल एनोड एंड द करंट प्रोड्यूस फ्रॉम द सिग्नल रिसीव्ड बाय द प्री एम्पलीफायर। आगे फिर प्री एम्पलीफायर को जाता है, फिर वो उसको वोल्टेज बना के सीआरटी को या फिर डीवीडी को जो भी आजकल यूज़ हो रही है उनमें भेजता है। ये इस तरह फोटो लिख के थोड़े फोटो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, फिर आखिर में मल्टीप्लाई करते करते आखिर में एनोड तक पहुँचते हैं, फिर उसको आगे प्री एम्पलीफायर को भेजते हैं। प्री एम्पलीफायर दिस कन्वर्ट द करंट प्रोड्यूस एट द एनोड ऑफ द पीएमटी टू ए वोल्टेज पल्स, वोल्टेज पल्स को इस पल्स से हम फिर इमेज बनाते हैं। द एम्पलीट्यूड ऑफ द वोल्टेज पल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज प्रोड्यूस एट द एनोड। जितना चार्ज ज़्यादा प्रोड्यूस होगा वोल्टेज भी उतना ही ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। Therefore, the amount of light received by PMT which is proportional to number of gamma photon that hit the scintillation crystal. यानी कि जितने ज़्यादा gamma photon जाएंगे उतने ही ज़्यादा light निकलेगी, उतने ही ज़्यादा photo electron निकलेंगे, उतने ही ज़्यादा speed से वो anode पे जाएंगे, उतने ही ज़्यादा voltage pulse produce होगी और इतना ही अच्छा image produce होगा। ये patient है, collimator है, scintillation है, फिर दरम्यान में slab है, फिर यहाँ से PMT है, फिर ये एम्पलीफायर है। एम्पलीफायर एक से ज़्यादा होते हैं, सिंटिलेशन भी एक से ज़्यादा होते हैं, PMT भी एक से ज़्यादा होते हैं, कोलीमीटर के होल भी एक से ज़्यादा होते हैं। तो कोलीमीटर के चार किस्म हैं वो मैंने बता दें पहले, और आखिर में मॉनिटर या CRT जो भी ट्यूब होती है उसमें इस्तेमाल होता है।